Hey guys, welcome back to my channel and today's topic is job satisfaction. So job satisfaction ये नाम से ही पता चल रहा है कि इस टॉपिक का मतलब है अपनी जो हम जॉब करते हैं चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो उसमें सेटिस्फेक्शन किस तरह का है या हमें उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जॉब सेटिस्फेक्शन होता क्या है. इट विल बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ओवरऑल पॉजिटिव अफेक्ट दैट इंडिविजुअल हैव टूवर्ड्स देयर जॉब. अब जॉब सेटिस्फेक्शन बेसिकली ये होता है जो पूरा अफेक्ट एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है उसकी जॉब के अकॉर्डिंग, मतलब कि एक जॉब का किसी पर्टिकुलर पर्सन पे क्या अफेक्ट होता है पॉजिटिव वे में. वो अपनी जॉब सेटिस्फाई है, उसको अपनी जॉब से वर्क से सेटिस्फेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही, उसको हम बोलते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन. नेक्स्ट हमारा आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन. अब मेन जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो होते हैं जॉब सिक्योरिटी. जब हमें किसी भी हम वर्क प्लेस पर काम करते हैं, किसी भी वर्क प्लेस पर हम जॉब करते हैं, तो हमारा जो मेन डिटर्मिनेंट होता है कि हमें जॉब जॉब हमें सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जब हमारी जॉब सिक्योरिटी होगी. अगर हमारी जॉब सिक्योरिटी ही नहीं होगी किसी फील्ड में तो हमें सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी नहीं मिलेगा. नेक्स्ट होता है अपॉर्चुनिटीज टू यूज स्किल्स एंड एबिलिटी. अब अगर हम किसी जॉब में किसी वर्क पे हम काम कर रहे हैं लेकिन अगर हम अपनी स्किल्स और एबिलिटी को यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरों के उस पर ही काम करे जा रहे हैं, दूसरों की शर्तों पर ही हम काम करे जा रहे हैं, अपनी हम स्किल यूज़ ही नहीं कर पा रहे ना उनको ग्रो कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें जॉब सेटिस्फेक्शन होगा ही नहीं. तो ये उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन हमें कब कब होता है. नेक्स्ट डिटर्मिनेंट होती है पे. अगर हमारा पे स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हम अपने पे स्ट्रक्चर से सेटिस्फाई नहीं है, हमारा पे स्ट्रक्चर हमें फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, हमारी नीड्स को पूरी नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे. रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जॉब सेटिस्फेक्शन में, क्योंकि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ हम काफ़ी घंटे बिताते हैं, तो उन जो काफ़ी घंटे में हमारे रिलेशनशिप भी बिल्ड होते हैं हमारे बॉस से, हमारे एम्प्लॉयज जो हमारे पीयर ग्रुप्स हैं या फिर हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी बन जाते हैं. तो अगर हमारी उनके लिए हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो भी कहीं ना कहीं हमने जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट आता है वर्क इट्सेल्फ. ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसीलिए होता है डिटर्मिनेंट क्योंकि अगर हम अपने काम से ही खुश नहीं हैं, जो हम काम कर रहे हैं, सपोज अकाउंट्स वाला कोई बंदा है और उसको हम मार्केटिंग में दे दें, तो मार्केटिंग उसका काम है ही नहीं, उसका वर्क उसको इस चीज़ का मतलब कि बोलता ही नहीं है कि तुम सेटिस्फाई हो पाओगे, क्योंकि वो है तो अकाउंट्स का और हम उसको डाल रहे हैं मार्केटिंग में, तो जॉब सेटिस्फेक्शन यहाँ पे हो ही नहीं पाएगी. अब नेक्स्ट होता है हमारे इफ़ेक्ट्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन. जॉब सेटिस्फेक्शन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं जो इनडायरेक्टली कंपनी को भी होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को भी होते हैं और पर्सन को भी होते हैं. सबसे पहला इफेक्ट इसका होता है हाई प्रोडक्टिविटी. कभी भी अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जॉब से सेटिस्फाई है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे किस पे जाएगा, प्रोडक्टिविटी पे, क्योंकि वो अपना मन लगा के काम करेगा और अच्छे से काम करेगा जिससे हमारा इफेक्ट होगा हाई प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट आता है इम्प्रूव अटेंडेंस. अगर कोई पर्सन अपनी जॉब से सेटिस्फाई है तो उसका हमेशा मन होगा कि वो टाइम से पहुँचे और अपनी प्रॉपर अटेंडेंस दे, अपना अटेंटिव रहे जॉब में, तो एक तरह से ये भी इस जॉब सेटिस्फेक्शन का इफेक्ट होता है. लास्ट इफेक्ट होता है रिड्यूस टर्नओवर. अगर कोई अपनी जॉब से सेटिस्फाई है तो वो छोड़ के क्यों जाएगा. सिंपल सी बात है, अगर मैं भी हूँ, अगर मेरे को मेरी जॉब बहुत पसंद है, मैं अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, तो मैं किसी और कंपनी में ट्राई नहीं करूँगी, मैं किसी और कंपनी में जॉब ढूंढने जाऊँगी ही नहीं. तो इससे क्या होएगा, जिस कंपनी में मैं सेटिस्फाई हूँ उसका टर्नओवर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. उसमें कंपनी में लोग छोड़ के जाना कम हो जाएंगे. छोड़ के तो हर कंपनी में जाते ही हैं लोग, लेकिन एक जो होता है ना सेटिस्फेक्शन की वजह से अगर कोई पर्सन छोड़ के आ रहा है तो वो चीज़ वो टर्नओवर कम हो जाएगा. So guys, this is all about job satisfaction. If you have any doubt, do let me know in the comment section below. Also, check all the playlists for more topics. Thank you.